से आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें, तालियां बजाकर कर्तव्य ध्वनि से आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। साथी अरुण मोहत्रा जी पूर्व विधायक कालपी सर पधारे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा। हमारे आदरणीय राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंत, उनसे आग्रह करूंगा कि वहां आएंगे। आपको जानकारी होगी कि हमने सुशासन की वादा किया था, हमने कानून व्यवस्था बेहतर देने का वादा किया था और हमने ये भी कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप उसे अक्षरशः सही पाएंगे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर गुंडा राज था, अटैची चोर से लेकर माफिया सरगना तक की पार्टी, उनसे पूछो कि तुम्हारी पार्टी कौन सी है तो वे एक ही पार्टी का नाम लेते हैं उस वक्त जो सत्ता में थी। आज उस गुंडा राज से 2017 में मुक्ति मिली। आज आपने देखा कि बड़े बड़े गुंडा सरगना जिनके इशारों पर प्रशासन चलता था वो स्वयं जेल में है और उनकी अवैध रूप से संपत्ति लगभग 1900-2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर दी गई। ये पहले नहीं हुआ, ऐसे लोग इसलिए पद पे कि उनको सरकारी संरक्षण किसी न किसी रूप में प्राप्त, क्योंकि जब भी कभी प्रशासन ने उनके बारे में ऊपर जानकारी दी तो उन्होंने कहा वो सुनो, और उसी वजह से बड़े बड़े सरगना माफिया यहाँ पर पनप गए। लेकिन आज चाणक्य ने कहा है कि सुशासन वो होता है, अच्छा शासन वो होता है कि जब एक बहुत कीमती गहना युक्त एक महिला किसी भी रात के अंधेरे में बिना किसी भय के आसानी से विचरण कर सके, ये उसकी पहचान है सुशासन। अच्छे राजा अच्छे शासन की पहचान है कि अगर बिना भय के किसी भी महिला को चाहे रात हो चाहे दिन हो किसी भी रास्ते पर निकाला जा सकता है, वो बिना भय के गुजर सके। आज मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड की धरती और संपूर्ण बुंदेलखंड इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होगा कि इस सुशासन की जो बात कही गई थी, कानून और व्यवस्था की दोस्ती की जो बात कही गई थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो बात कही गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उसको पूरी तरीके से पूरा करने का वचन जो दिया गया था उस तरफ सरकार ने जबरदस्त काम भी किया है।